नारायण राणे द्वारा किए गए विवादित बयान के बाद नासिक में बीजेपी दफ्तर पर पथराव किए जाने का मामला सामने आया, जो शिवसेना के कार्यकर्ताओं द्वारा किए जाने का आरोप है। और नासिक की इसी घटना का विरोध में भाजपा अब आक्रामक हो गई है, जिसके चलते मंगलवार को शहर में भाजपा की ओर से प्रदर्शन किया गया। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता नारायण राणे के विवादित बयान के बाद महाराष्ट्र में विवाद गहराता जा रहा है। पूरे प्रदेश में शिवसेना और भाजपा कार्यकर्ता आमने सामने आए हैं। इसी बीच नासिक में भी भाजपा के दफ्तर पर पत्थरबाजी का मामला सामने आया था। आरोप है कि पत्थरबाजी करने वाले लोग शिवसेना के कार्यकर्ता है। इसके चलते भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा मंगलवार को शहर में प्रदर्शन किया गया। उनका कहना था कि शिव सैनिक अराजकता फैलाने का काम कर रहे हैं, हम शिवसेना द्वारा किए गए इस कृत्य की घोर निंदा करते हैं। काल जी दुर्दैवी घटना नाशिक मध्ये घडली, त्या घटनेचा नागपूर शहर भारतीय जनता पक्ष म्हणून आम्ही तीव्र निषेध करतो। महाराष्ट्रात सत्तेवर असणाऱ्या शिवसेनेने महाराष्ट्रात स्वतःहून अराजकता निर्माण करण्याचा प्रयत्न शिवसेनेने केलेला आहे, कारण शिवसेनेची जी वृत्ती आहे ते त्यांनी काल कृतीमध्ये दाखवली। ती आमच्याकडनं आम्हाला त्यांच्याकडनं ती अपेक्षा नव्हती, पण तरी त्यांनी ते कार्य केलं, त्या घटनेचा आम्ही तीव्र निषेध करतो। पण त्यांनी या गोष्टीची जाणीव करून देतो की शिवसेनेने हे आपल्या मनात चुकूनही लक्षात ठेवू नका की भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते हातात हात धरून राहतील, ही अपेक्षा त्यांच्याकडनं तुम्ही आमच्याकडनं करू नका। जर नागपूर शहरामध्ये अशी जर कृती त्यांनी जर केली किंवा प्रयत्न जरी केला तर त्यांच्या भाषेत त्यांना उत्तर देण्यात येईल, एवढं सांगू इच्छितो। बता दें कि राणे ने हाल ही में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लेकर एक बयान दिया था। इस बयान में उन्होंने ठाकरे की आलोचना करने के साथ ही उन्हें थप्पड़ मारने की बात कहरा दी थी। इसके बाद से ही महाराष्ट्र में सियासत गरमा गई है। कैमरा पर्सन माइकल के साथ दिशा हटवार, BCN न्यूज नागपुर।